कि अल्लाह की जात पाक की तरफों इम्तिहान है साडे मुल्क दे उत्ते सैलाब की सूरत तो जेडे बंदे असी अपने जगह दे विच महफूज बैठे हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मुसलमान बीमार होवे ते सारयां नूं तकलीफ हो इसमें वाहिद दी तरह हो जावो उन्हां दी खिदमत करना और उन्हां दी खिदमत दा हर वक्त ख्याल रख के जिन्नी वध तो वध उन्हां दी खिदमत कर सको अल्लाह दी जात पाक तुहानूं तौफीक दे और ये कदी भी ना सोचो असी तां आराम नाल बैठे मैं रसाले कुशारी च पढ़िया कि एक आलुल्ला दरवेश सी एक तो वो एक मार्केट नू अग लग गई किसे बंदे आके आख्या जनाब सब दुकाना सड़ गई ने तो तुहाडियां बच गई ने दो उन्हां दी जबाने मुबारक चो निकल गया अलहम्दुलिल्ला जिस वक्त ये लफज निकले तो वो जिहड़ी इश्को मुहब्बत की नज़ाकत होंदी है ना तो फिर लताफत होंदी है वो अख दे नालों में ज़्यादा उहदे च नज़ा होंदी है बस दिल दे उत्ते ना बोझ आ गया। किसे पुछा भी तुसी परेशान हो गए जे तुहानू मैं खुशखबरी दित्ती है भी तुहाडियां दुकानां बच गईयां ने ते तुसी परेशान इन्ने क्यों हो गए जे उन्हें फरमाया कि मैनू अल्लाह दी जात पाक दी मखलूक नू तकलीफ आई है तो मैनू अल्लाह पाक ने तकलीफ होने तो मेरे मुँह अलहम्दुलिल्लाह निकल गया है तो मेरा दिल जड़ा है परेशान हो गया भी मेरा मालिक करीम मेरे ते नाराज ना हो जाए भी मेरे उन्हां दी तकलीफ ते तू खुश हो जा। मेरी गल सुन दे पै जे कि कोई नहीं कन्ना दे विच बुझे ना तू ना जे गल सुनिया जे मेरी सुन दे ना समझदे पै जे कि ना जिहड़ा इंसान ये समझे कि ये इम्तिहान सिर्फ उन्हां वास्ते ही है अल्लाह दी जात पाक करम ते फजल फरमावे असी तो इम्तिहाना दे काबल भी नहीं हैगे तो अपनी कमाई दे विच अपनी वाही दे विच अपनी हर शय दे विच इस चीज़ का एहसास करो। सर्दियां पईयां आंदियां ने वो बिल्कुल चटियल मैदानां दे उत्ते बैठे होए ने ते सर्दी शुरू हो चुकी है फिर कई इलाकों दे भी ठंड वैसे भी उत्थे ज़्यादा है तो बिस्तरे जनानियां पेटियां च रखी होंदे ने ते वो हनुमान होंदे ने जिस वेले कोई बंदा मरे तो उस वेले खेस काट के दे देंदियां ने नहीं तो वो उस तरह ही वो खत्म हो जाते हैं। कपड़े पुराने जुत्तियां पुरानियां बिस्तरे जुलियां बो वालियां ये काम ना करिया जे और अल्लाह पाक ने नसीहती भी फरमाई है कि जिहड़ी शह तुसी कमांदे जो उहदे च उमदा शह दित्ता करो जिहड़ी जमीन चो मैं फसल कढ़ना उहदे च भी उमदा शह दित्ता करो। ये दिल जिहड़ा इंसान दा जिहड़ा है ना हिरस इस नूं सौड़िया कर दिंदी है जिस बंदे नूं हिरस ने सौड़िया कर दिता उन्हें बार बार सोचना चाहिए है भी मैं सराते मुस्तकीम ते पै जाना या डिंगे राह ते पै जाना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है खुदा दी जात पाक दा फरमान है इनफाक फिल्ला वो इबादत है जिवें नमाज रोज़ा हज जकात है ना इस तरह इनफाक फिल्ला भी इबादत है ते मेरे हजूर इस दे उत्ते बड़ा अमल कराते सन। कोई भी वक्त इस तरह का है चाहे मुहाजरीन होण चाहे जंग होवे दफाई फंड होवे कोई होवे ते साडे हजूर हाथ च किसे वक्त नज़र भी नहीं सन फड़दे किसे कोलों भी नज़र लेकिन इन्हां कमां वास्ते हजूर का हुक्म हुंदा सी कि हमां वक्त इस दा ख्याल रखो ते अल्लाह दी जात पाक तुहानूं तौफीक देवे ते सानूं भी तौफीक देवे अपने रहमत ते फजल दे नाल।